Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh and in this video tutorial I am going to discuss about 1 month strategy for the GATE Excel Life Science. Is video tutorial mein main discuss karne wala hu GATE Life Science ke bare mein kya 1 month strategy honi chahiye. So again 1 month strategy pe jane se pehle wo teen cheeze jo aapke liye sabse zyada zaruri hoti hain, study, practice and revision. इसको आप इसी एसपीआर अप्रोच को लेके चलना है. आप किसी भी माध्यम से लेके चल सकते हो, कभी भी टाइम स्लॉट सेट कर सकते हो. टाइम स्लॉट अपना सेट कर लीजिए कि मुझे स्टडी किस टाइम करनी है, मुझे प्रैक्टिस किस टाइम करना है, मुझे रिवीजन किस टाइम करना है. लेकिन ये आपका डे का गोल होना चाहिए. तीन स्लॉट में आपका दिन डिवाइडेड होना चाहिए. इस तीन स्लॉट में जब आपका दिन डिवाइडेड होता है तो तब आप आराम से चीजों को लेके चल सकते हैं. ठीक है, जब तक आप अगर पे ही नहीं पता कि आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, किस टाइम पे करना है, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे और सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इसलिए अपने डे वाइज को एक स्लॉट डिवाइड कर लीजिए कि नहीं, मुझे सुबह 10 से 11 पढ़ना है, मुझे शाम के 5 से 6 प्रैक्टिस करनी है और रात को बेड टाइम पे मुझे रिवाइज करना है, रिकॉल करना है. और रिकॉलिंग के लिए तो कुछ जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ कि वो तो घूमते फिरते, टहलते, खाते पीते, कूदते हर जगह रिकॉल कर सकते हो. जस्ट माइंड में चीजों को रिकैप करना होता है, ये चीजें आपने पढ़ी है. तो अपने स्लॉट को आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से कि व्हाट शुड बी योर स्लॉट, आपका स्लॉट होना क्या चाहिए, आप डिवाइड कर सकते हो. एंड उसके बाद जब बात करते हो द कंबाइन अप्रोच मस्ट बी देयर, आपका एक कंबाइन अप्रोच होना चाहिए. ठीक है, कि तीन सब्जेक्ट को एक साथ आपको टारगेट करना है. ठीक है, तीन सेक्शंस को आपको एक साथ टारगेट करना है. सिर्फ दो पे मत पड़े रहिएगा. केमिस्ट्री को नहीं भूलना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, केमिस्ट्री को नहीं भूलना है. मैं यहाँ पे एक जनरल कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, दैट इज बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी. रेस्ट इज अप टू यू कि आप कोई भी लेके चल सकते हो. बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी की मैं बात करता हूँ, बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी. नाउ अगर मैं इसकी बात करूं बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी के बारे में, ठीक है, सो इस तीन कंबाइन अप्रोच के साथ चलेंगे. ये तीनों पैरेलली आपके चलने चाहिए, तीनों 30 दिन में कंप्लीट होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड. तो उसी तरीके से जैसा कि गेट बायोटेक्नोलॉजी के मैंने अप्रोच बताया था, उसी तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए गेट लाइफ साइंस के लिए भी. ठीक है, अपने पूरे के पूरे टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करिए. तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ व्हाट यू हैव इन योर हैंड. आपके हैंड में कितना है, 30 डेज. अगर 1 month की बात करता हूँ तो आपके हैंड में है 30 डेज. कितने आपके टारगेट्स हैं, 3 टारगेट्स है, तीन बड़े टारगेट्स है, 3 बिग टारगेट्स. तो यानी कि अगर देखू तो 10 डेज पर टारगेट. ठीक है, 10 डेज पर टारगेट मिलेंगे आपको. उस हिसाब से आप देख रहे होंगे तो 10 डेज मिलेंगे, यानी 10 डेज फॉर द केमिस्ट्री. ठीक है, 10 डेज फॉर द केमिस्ट्री, 10 डेज फॉर द बायोकेमिस्ट्री और 10 डेज फॉर द जूलॉजी. लेकिन क्या एग्जैक्टली आपको ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको 10 डेज लेके चलना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने अभी, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है सिलेबस एनालिसिस का, तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे लेके चलना है. मैं यहाँ पे 1 month प्लान के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, 1 month प्लान में कैसे चलना है. ठीक है, सो व्हाट शुड बी योर 1 month प्लान. ठीक है, 1 month प्लान की करूं तो 7 डेज. देखिएगा कि आप अपने टाइम स्लॉट को जितना दे पाते हैं उतनी अच्छी चीज है, लेकिन यहां से अब आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे. मैं नहीं कहता कि टॉप आप 26 घंटे पढ़ोगे 24 में से तभी टॉप कर पाओगे, 14 घंटे पढ़ोगे तभी टॉप कर पाओगे. ठीक है, ऐसा कुछ लोग होते हैं जो 26 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 26 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी आवर्स पढ़ने हैं, जो पढ़ना है ढंग से पढ़ना है. वो 5 घंटा भी आपके लिए काफी होगा. ठीक है, तो ये मैं 5 घंटा रख के चल रहा हूँ, जिसमें कि 3 आवर्स जो होंगे, 3 आवर्स स्टडी के होंगे एंड 2 आवर्स और 1 to 2 आवर्स आपके प्रैक्टिस के होंगे. और रिवीजन के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई सी चीज की जरूरत नहीं, डिनर करने से लेके आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो. सो कुछ इस तरीके से होना चाहिए योर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो होना चाहिए, केमिस्ट्री में आपके आप केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा 7 डेज दे केमिस्ट्री को. ठीक है, 7 डेज दे केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को फिनिश करे. उसके जितने भी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखे, जो कि मैंने बताया 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा. और उनमें से कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिलेबस एनालिसिस में, गो एंड वॉच दैट वीडियो. जैसे विस्पर थ्योरी, ठीक है, वीईएसपीआर थ्योरी की बात करते हैं, चाहे आप रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, कॉलरास रूल की बात करें, ठीक है,
मोल फ्रैक्शन की बात करें, उसके बाद फ्री एनर्जी की बात करें, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन की बात करते हैं, डाई एल्डर रिएक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं टॉपिक से केमिस्ट्री के, ये आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 3 घंटा पढ़ना है, 3 आवर्स मुझे स्टडी करनी है एंड 2 आवर्स मुझे प्रैक्टिस करना है। सो इस तरीके से अपने शॉर्ट को डिवाइड करिए और अगेन मैं आप देखिए कि बैलेंस प्रैक्टिस करना ही करना है, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो मीनिंग ऑफ द स्टडी, जैसे कि विदाउट सॉल्ट देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी फूड, एग्जैक्टली विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो मीनिंग ऑफ द दैट इज पर्टिकुलर स्टडी। अब देखिएगा कि आपको 7 दिन में कंप्लीट करिए केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री को 7 डेज में कंप्लीट करना है, आपके पास और भी दिन बचे हुए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 30 डेज को टारगेट करके चल रहा हूँ, 7 डेज में कंप्लीट करिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज दैट, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होना चाहिए, जस्ट लेट्स सी गाइस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को आपको कितना टाइम देना है, अगर मैं बात करता हूँ तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स आपके जूलॉजी या अलग अलग जगह पे कवर अप होते हैं, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को आप देंगे यहाँ पे कितना, 15 डेज, कितने डेज देंगे, 15 डेज देंगे बायोकेमिस्ट्री को, 7 डेज फॉर द केमिस्ट्री, 15 डेज फॉर द बायोकेमिस्ट्री, ये आपको आ जाएगा, दैट इज व्हाट द 22 एंड 8 डेज फॉर द जूलॉजी। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ले सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और जो प्रीवियस एनालिसिस, जो सिलेबस कंपैरिजन, सिलेबस मिक्सचर और ओवरलैपिंग की बात करते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी विल बी बेस्ट एंड केमिस्ट्री तो छोड़ना ही नहीं है, तो ये आपको इस तरीके से लेके चलना है। 8 दिन जूलॉजी में पढ़ना है, जो अलग टॉपिक है जैसे डेवलपमेंटल, हालांकि बहुत क्वेश्चन नहीं आते डेवलपमेंटल से, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे कुछ इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी पढ़ लीजिएगा और डाइवर्सिटी देखिएगा कि कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि CSIR पढ़ लिया तो मेरा हो जाएगा। आपको बता सकते हो कई लोग CSIR क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन गेट नहीं हो पाता उनका, इसका रीजन क्या है ना, क्योंकि उनको लगता है CSIR जैसा ही पढ़ना पड़ता है वैसा ही करना होता है। नो, इसके क्वेश्चन उठा के देखना बहुत जरूरी है, सी द क्वेश्चन फर्स्ट गाइज बिफोर रीडिंग द एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, लेवल अलग होता है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि वेरी डीप, बहुत छोटे छोटे टर्म्स, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नैनोज का फंक्शन क्या होता है, बाइकॉट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इकोटोन का डेफिनेशन क्या है, अल्फा डायवर्सिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन पूछे जाते हैं कभी कभी और आपको यही नहीं पता होता एग्जैक्टली होता क्या। आप बहुत बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन कर ले जाओगे लेकिन पार्ट भी CSIR वालों का बहुत वीक होता है, इसलिए गेट निकालना उनके लिए और भी टफ हो जाता है। तो जो लोग CSIR के बाद गेट पे शिफ्ट करें, मैं उनके लिए यही रिकमेंड करूंगा, प्लीज डू वॉच हाउ द पेपर विल कम, कैसा आएगा, कैसा आता है, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ एंड डेफिनेशंस पे ज्यादा वर्क करिएगा। बायोकेमिस्ट्री में आप अपने स्लॉट को डिवाइड करें, पूरा पूरा जो टॉपिक है जो आपके उसमें यूनिट्स दिए हुए उसको डिवाइड करें किस तरीके से 15 दिन में, और 15 दिन का मतलब है यहाँ पे 2-2 दिन के हिसाब से चलेंगे, 2 डेज टारगेट, एक एक यूनिट पकड़िए 2 डेज, एक एक यूनिट पकड़िए 2 डेज, एक एक यूनिट का मतलब इसमें कई सारे पार्ट है, जैसे जेनेटिक्स भी है इसमें, इसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी भी है, इसमें आपके बायो मॉलिक्यूल्स भी है, इसमें आप जेनेटिक्स के साथ साथ बहुत इसमें सेल बायोलॉजी भी है, इसमें RDT भी है, ठीक है, तो इन सबको 2-2 दिन दे के चलना है, ऐसे 7 सेक्शंस में डिवाइड करिए और 14 दिन दीजिए आप, 14 टू 15 डेज दीजिए और कंप्लीट कर लीजिए पूरे बायोकेमिस्ट्री को, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री को इस तरीके से आपको लेके चलना है, 2-2 डेज फॉर सिंगल यूनिट और उस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ जो बचा हुआ टॉपिक है 2-2 डेज जूलॉजी में देना है आपको, ठीक है, जितने जैसे डेवलपमेंटल, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी और इन सब में 2-2 दिन दीजिए, 2-2 दिन में कंप्लीट करिए, ये अब आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है कि कैसे मूव करना है। बाकी जो रेस्ट टॉपिक्स है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डिजीजेस या पैथोजेंस की बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजी भी बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है, यस हियर इज इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो कैसे छोड़ सकते हो आप, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कैसे चल रही है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स की ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, तो ये आपका प्लान होना चाहिए। 7 दिन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए एक एक दिन, 1 यूनिट या 1 टॉपिक, 2-3 टॉपिक एक दिन में खत्म,
और बायोकेमिस्ट्री में 2 दिन देना है, यानी 6 घंटे एक सिलेबस खत्म, 6 घंटे एक सिलेबस खत्म, 6 घंटे एक सिलेबस खत्म। अब कोई कहेगा पूरा लेनिंजर बैठ के पढ़े, मैं अगेन बता चुका हूँ कि कुछ नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में डेफिनेशंस एंड टॉपिक्स दिए हैं उसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ लो, उसके की पॉइंट्स के बारे में पढ़ो। सिलेबस में जो दिया हुआ, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्या पढ़ना क्या है, ठीक है। सिलेबस आपके पास होगा, प्रिंट करा लो, प्रिंट कराने के बाद उसमें जो टॉपिक्स दिया है उस टॉपिक्स को देखो, टॉपिक्स में जाओ, बुक रिफर करो या कोई मटेरियल रिफर करो, रिफर करने के बाद उसके की पॉइंट्स को पढ़ो, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस पढ़ो, की पॉइंट्स पढ़ो, वो चीजें आती है, ना कि भाषण आता है। अगेन मैं कह रहा हूँ भाषण नहीं पूछते गेट वाले एग्जाम में, ठीक है। नाउ अगेन बात करता हूँ, दैट इज Jan 3rd से, Jan 3rd से क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, Jan 3rd से क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, कहाँ पे, स्मार्ट लर्निंग एकेडमी, इसी की एक वेबसाइट है और ऐप है, आप वहां पर जाएंगे तो आप वहां से इनरोल 1 महीने में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको सब्सक्रिप्शन करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ अब इसके लिए मैं बात करता हूँ कि आपको क्या करना है, कि ये इस तरीके का आपका प्लान करना है कि आपको मूव करना है एक पूरा टॉपिक वाइज। तो अगेन मैं एक बार सम अप कर रहा हूँ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होगा, 1 डे टारगेट होगा, जस्ट अगर मैं आप यहाँ पे सम अप करूँ, ठीक है। सो केमिस्ट्री देखिएगा, केमिस्ट्री आपके 7 to 10 टॉपिक्स, 7 to 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 1 डे, ठीक है, 1 डे टारगेट। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात, सॉरी बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ, बायोकेमिस्ट्री में आपके 15 डेज देना है, 2 डेज टारगेट, इस तरीके से चलेंगे, 2 डेज, 7 units वो कंप्लीट करेंगे। एंड जूलॉजी और बॉटनी, वॉट एवर आप कर रहे हो उसमें आप 4 major units जो कि अलग अलग हैं, उन 4 major units को 2 दिन देना है, 8 दिन, ठीक है। तो ये आपको देखेंगे 15, 8, दैट इज 7, 22, 8, 30, तो 30 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एप्टीट्यूड आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, बीच बीच में जहां पे टाइम मिलता है सिर्फ एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करते रहो, क्या करते रहो, एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करते रहो, दैट विल बी सफिशियंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गो फॉर द योर प्रिपरेशन। एंड मटेरियल की बात है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कहाँ से ले सकते हैं, अगेन मैं मटेरियल की बात करता हूँ, PYQs इज द बेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बेस्ट, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और अगेन मैं आपसे बोलूँ कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप में बिलीव करें, बिलीव इन योर सेल्फ, क्या बिलीव करेंगे, से टू योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। गाइस हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच एंड बिलीव यू कैन डू इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।